हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। देख सकते हो बाहर पूरी तरीके से अभी उजाला भी नहीं हुआ है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि मैं अक्षत का टिफ़िन बॉक्स रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके लिए आलू की कचौड़ियाँ बना रही हूँ, और आलू मैंने रात में ही बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था, तो बस उसी को मैंने मॉर्निंग में मैश किया। जस्ट मसाले ऐड किए थोड़े से सिंपली, और उसके बाद ये सिंपल सी आलू की कचौड़ी बना दी है उसके टिफ़िन के लिए। इसके साथ मैं चटनी हो गया या फिर सॉस है और या फिर अचार कुछ एक रख दूंगी तो वो आराम से खा लेगा। तो चलो, अक्षत को स्कूल भेजने के बाद मिलते हैं। तो अक्षत स्कूल जा चुका है, उसके बाद यहाँ पर मेरी हो रही है मॉर्निंग वॉक। तो बस मैं ऐसे बालकनी में थोड़ा सा टहल ले रही हूँ, और बस यहीं पर थोड़ा सा टहल रही हूँ क्योंकि आद्या अभी सो रही है, तो उसको लेकर के मैं अभी कभी बाहर भी नहीं जा सकती और उसके साथ मेरा टहलना भी नहीं हो पाता क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलती है। और टहलने का मज़ा तभी आता है जब आप फुल स्पीड फुल एनर्जी के साथ वॉक करो। तो बस उसके बाद मैं अपने घरेलू कामों में लग गई हूँ जो कि डेली रूटीन होता है। तो बस सबसे पहला जो काम है झाड़ू लगाना, तो वह बस झाड़ू लगाऊंगी, पूरा अंदर से लेकर के बाहर तक झाड़ू लगाते हुए आऊंगी और लास्ट में सारा जो कचरा है वो इकट्ठे करके एक जगह भर लूंगी। तो बालकनी साइड ही मैं झाड़ू लगा करके लेकर के जा रही हूँ, तो वहीं पर मैं सारा आज मैं बालकनी की धुलाई भी करूँगी क्योंकि कई दिनों से मैं नहीं कर पा रही थी। अक्सर करके मॉर्निंग के टाइम पे बारिश हो जा रही थी, तो जिसके कारण मैं बालकनी में फिर धुलाई वगैरह नहीं कर पाती थी। तो मैंने सोचा चलो आज सूखा है, साफ़ सफ़ाई थोड़ा सा कर लेते हैं। और बारिश हो जाने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती थी, तो ठीक से साफ़ भी नहीं हो पाता था। तो मैंने कहा चलो आज डीप से क्लीन कर लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ, पहले सामान सारा जो इधर उधर फैला हुआ है बच्चों ने फैला करके रखा हुआ, मैं साइड में लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर वाइपर से मैं सारा पानी जो है थोड़ा सा मैंने डिटर्जेंट पाउडर पानी में मिलाया हुआ है, जिससे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बस यही मैं करने में लगी हुई हूँ। और हमारी फैमिली में कोई और भी है जिसने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है, तो बस अभी आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, मैं बताऊंगी कि कौन है वो नया फैमिली मेम्बर जिसने ब्लॉग बनाना शुरू किया है, तो आगे आपको पता चलेगा। और वैसे सुबह उठने में थोड़ा सा आलस लगता है, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं, इवन आपके सारे काम टाइमली हो जाते हैं। तो मुझे बहुत आलस लगता है सुबह उठने में, लेकिन ये है कि अगर एक बारी उठ गई तो फिर मेरा आलस 2 मिनट के अंदर भाग भी जाता है। तो बस अक्षत को स्कूल भेजने के बाद ना फिर मैं दोबारा से नहीं लेटती हूँ, अपने कामों में ही लग जाती हूँ। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, फिर मैं नहाने के बाद आ गई हूँ अपने किचन में। और कल रात में मैंने राजमा भिगो करके रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी अभी मैं राजमे की सब्ज़ी बना देती हूँ और चावल और रोटी हो जाएगा, या फिर मैं रोटी स्किप ही कर दूँगी, राजमा चावल ही बना लेती हूँ, क्योंकि राजमा चावल हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे चावल खाने में ज़्यादा नहीं पसंद है, मैं मतलब जब तक एक दो रोटी नहीं खा लेती हूँ ना मेरा पेट नहीं भरता है, लेकिन इनके साथ अक्षत के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो इन लोगों को राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा मन करेगा तो फिर मैं अकेले के लिए रोटियाँ नहीं बनाऊँगी, राजमा चावल ही बना लूँगी। तो राजमा बनाने के लिए मैंने सिंपली पहले मस्टर्ड ऑयल डाला था, उसके बाद थोड़ा सा हींग जीरा, और उसके बाद अदरक लहसुन और प्याज को चॉपर में मैंने अच्छे से पीस लिया हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर भी ऐसी चॉपर में ही पीस ले रही हूँ। और उसके बाद प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च के पेस्ट को अच्छे से पकाना है, मतलब उसका कलर पूरी तरह से ब्राउन हो जाए, प्याज अच्छे से भुन जाए। तो फिर उसके बाद हम उसमें गर्म मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, यही जो नॉर्मल मसाला है, लाल मिर्च पाउडर, इसको हम थोड़ा सा पानी में भिगो करके डाल देंगे और फिर मसालों को अच्छे से पकाएंगे। मेन आपके मसाले खाने में अगर अच्छे से पक जाते हैं ना तो खाने का पूरा टेस्ट बदल जाता है, तो इसलिए मसाला पकाते समय बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, गैस का फ्लेम लो रख देना है और आराम से मसालों को पकने देना है, थोड़ा सा टाइम देना है। मसाले जब अच्छे से पक जाते हैं तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है, साथ ही साथ ऑयल साइड साइड से छोड़ने लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अभी टमाटर डाल दिया, इसको भी पकने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे और आराम से पकने देंगे।
और उसके बाद यहाँ मैं बाहर आकर के बैठ गई हूँ, तो मैं उजाले में बैठ करके चावल साफ़ कर रही हूँ। वैसे चावल साफ़ है क्योंकि हमारा घर का चावल होता है, घर का मतलब खेत का, डायरेक्टली खेत से घर ही आता है, तो उसमें कंकड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम नॉर्मल मार्केट से चावल ख़रीदते हैं तो उतने ज़्यादा कंकड़ वगैरह नहीं होते हैं, तो बस यहाँ पर मैं चावल अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ कि एक भी कंकड़ रह जाता ना तो वो जब दांतों के नीचे आता ना खाना खाते समय तो बड़ा बेकार लगता है, तो इसलिए मैं अच्छे से देख ले रही हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, तो वापस से यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे जो कि नाश्ते वगैरह के थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी लगे हाथ साफ़ कर लेते हूँ। और थोड़े थोड़े करके बर्तन साफ़ करते रहो ना तो फिर सिंक में एक बार ही इकट्ठा बर्तन नहीं होते हैं, और एक बार अगर बर्तन इकट्ठे हो गए ना तो सच में धोने में बहुत आलस लगता लगता बहुत ज़्यादा है, कोई और कर दे तो मुझे तो बहुत लगता है, लेकिन थोड़े थोड़े से करके धुलती रहती हूँ ना तो फिर मुझे आलस बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो अभी हमारी राजमे की सब्ज़ी बन करके रेडी हो चुकी है, तो चलो अभी आपको दिखाते हैं कैसी बनी हुई है। तो देख सकते हो ये राजमे की सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, चावल मैंने चढ़ा दिया है तो अभी सीटी लग जाएगी, तो राजमा और चावल यही हमारा आज का लंच होने वाला है। उसके बाद जैसा कि मेरे ननिहाल में चल रहा है कार्यक्रम, तो यहाँ पर देख सकते हो सभी परिवार के लोग लगे हुए हैं मूर्ति बनाने में, तो यहाँ पर ओम बनाया जा रहा है इस तरीके से थाली में, और उसके बाद यहाँ पर मम्मी और मामी लोग सभी फलहार बनाने की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पर बन बन चुका है फलहार, तो ये है सिंघाड़े के आटे की जो चिक्की होती है, जो अक्सर करके हमारे यहाँ तो त्योहारों में या फिर व्रत में ही बनती है, पर बहुत लोगों को पसंद है तो कभी भी आदमी बना करके खा सकता है। तो यहाँ पर मम्मी और मामी दोनों लगी हुई हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि वो नया मेंबर कौन है जिसने ब्लॉग बनाना शुरू किया है। तो जी हाँ, मेरी भाभी है जिसने ब्लॉगिंग करना शुरू किया है, तो आप लोग भी देख लो कैसी ब्लॉगिंग करी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। तो यहाँ पर देख सकते हो मामी आलू फ्राई कर रही हैं और मम्मी सिंघाड़े की जो है वो चिक्की बना करके रेडी करके पंडितों के लिए जो फलहार बनाया जाता है, क्योंकि 7 दिनों से महामृत्युंजय की जाप चल रही है, तो पंडित जी लोगों के लिए फलहार प्रॉपर किसी को ड्यूटी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर मम्मी और हमारी मामी बिट्टू की मम्मी दोनों ने मिलकर के, नंद भाभी ने ड्यूटी ले ली है, सारा जो है भार अपने ऊपर संभाल लिया है। तो अच्छा लगता है परिवार में मिल बांट करके ही काम करना चाहिए और मिल बांट करके ही सारे काम होते हैं। और अभी पूरी फैमिली जो है वो मिल करके आई हुई है जटाशंकर महादेव के मंदिर में, तो यहाँ पर भी चल रहा है रुद्राभिषेक। तो यहाँ पर हमारे मामा का बेटा जो है प्रांशु वो रुद्राभिषेक कर रहा है, तो देख सकते हो पूरा परिवार एक साथ आया हुआ है। मंदिर का व्यू आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मतलब बहुत पुराना, तो काफ़ी पुराना, अब कितना पुराना है ये मैं बता नहीं पाऊँगी। और यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे बंदर हैं, तो सब ऐसे घूम रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर पूजा आरती सब कुछ हो रहा है, सारे परिवार जन इकट्ठे होकर के कर रहे हैं, घर के सारे बच्चे भी आए हुए हैं, तो देख सकते हो। मैंने जो भी क्लिप्स मेरे पास थी तो आप लोगों के साथ शेयर की है, होप यू गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने बालों में मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक।